हाय गाइस नमस्ते, दिस इज यामिनी सिद्धपुरियानी और वाचिंग एमएल लाइफ आर्ट। कैसे दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पिक किया है एक स्कर्ट को जो कि कॉटन का है, लॉन्ग स्कर्ट है, मेरे पास रखा हुआ था। बट आप एक लॉन्ग स्कर्ट को किस तरीके से एंड कितने वेज में आप स्टाइल कर सकते हैं वो ये वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुर्तीज के साथ, टी शर्ट के साथ, टॉप्स के साथ, कुर्ते के साथ आप कितनी ही तरीके से एक लॉन्ग स्कर्ट को स्टाइल कर सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप यू लाइक इट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। वीडियो के एंड में देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थम्स अप के लायक है सो जल्दी से थम्स अप दे दीजिएगा गाइस। बेसिकली समर स्टार्ट हो गए हैं एंड समर के लिए ये लॉन्ग स्कर्ट्स बहुत ही यूजफुल होती है, अफोर्डेबल होती है, प्लस स्टाइलिश होती है। आप इसको किस तरीके से भी स्टाइल करेंगे तो हर तरीके से ही अच्छी लगने वाली है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में एंड फैमिलीज में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यमन लाइफ आर्ट, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, ये कॉटन की स्कर्ट है जो कि यहाँ से इलास्टिक वाली है एंड प्योर कॉटन है गाइज। इतनी कंफर्टेबल है, आपको आराम से समर में बहुत एप्रोप्रिएट होने वाली है। मेहरून कलर टाइप इसका थोड़ा सा कलर है एंड थोड़ा सा रस्टी कलर की इसमें इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। सो ऑल ओवर प्रिंटेड है, समर के लिए एप्रोप्रिएट कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। इस तरीके की आपको स्कर्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ये मैंने ऑफलाइन परचेज की थी लेकिन इसी जैसा सिमिलर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी सो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये एक मेरे पास ग्रीन कलर में कुर्ता है, कुर्ता कम टॉप है। सो इस तरीके से आपको ये टॉप मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लिपस्टिक लगी हुई है सो नेवर माइंड एंड इस तरीके से आपको ये टॉप मिल जाएगा। यहाँ पे शर्ट जैसा स्लीव्स मिलेगा आपको, बैक में बिल्कुल प्लेन है एंड बेसिकली इस तरीके से आपको जो कुर्ता पैटर्न आता है टॉप का, ये इस तरीके से आपको शॉर्ट कट मिल जाएगा, साइड में आपको ट्रायंगल होल में दिख जाएगा। तो आप अगर इस तरीके के टॉप पे ये वाली स्कर्ट ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा एंड ये थोड़े से लूज होते हैं सो समर अप्रोप्रिएट होते हैं गाइज। इस जैसा अगर लिंक मिलेगा मेरे को तो मैं आपको जरूर रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप इस तरीके के कुर्ते भी पहन सकते हैं, प्लस अगर आप व्हाइट कलर में जाना चाहते हैं बिकॉज व्हाइट कलर गर्मी के लिए सही होते हैं। इस तरीके से मेरे पास कुर्ता टाइप टॉप है एंड राउंड नेक के साथ में वी शेप दिया हुआ है। इस तरीके से आपको कुर्ता पैटर्न स्लीव्स मिल जाएगी, पीछे एकदम प्लेन है। सो इस तरीके से आपको जो कट वाले कुर्ताज आते हैं वो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, आपको मैं ट्राई एंड होल में दिखा दूंगी। इसमें अगर आप शर्ट पेयर करेंगे तो शर्ट भी आपकी इसके साथ अच्छा जाएगा। ये मेरे पास एक चेक्स शर्ट रखा हुआ था जो कि मैंने ऑफलाइन ही लिया था। इस तरीके से इसकी स्लीव्स आएगी एंड इस तरीके से इसका बेज कलर है एंड थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप से इसका कलर है, बहुत ही स्मार्ट लगता है गाइज। इस स्कर्ट के साथ में बहुत स्मार्ट लुक देता है, आप इसको कहीं भी पेयर कर सकते हैं। अगर आप समर में वेकेशन करने जा रहे हैं या गोवा जा रहे हैं या बीचेस वगैरह आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए इस तरीके की स्कर्ट एंड इस तरीके कुर्ताज शर्ट्स बहुत अप्रोप्रिएट लगते हैं एंड स्टाइलिश लगते हैं। इसके साथ आप स्नीकर्स पेयर कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ ज्वेलरीज आप पेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है गाइस। अगर आप इसको हाईनेक के साथ पेयर करना चाहते हैं तो एक सिमिलर सा हाईनेक टॉप है, शॉर्ट टॉप है, क्रॉप टॉप है, इस तरीके से ये हाईनेक टॉप है जो कि स्मार्ट लगता है। प्लस व्हाइट कलर में ये मेरे पास है तो और भी कलर होंगे इसके साथ में तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। इस तरीके से आपको ये टॉप मिल जाएगा, बैक में इस तरीके से प्लेन मिलेगा एंड और भी कलर थे इसमें सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। अगर ऐसा नहीं मिला तो सिमिलर भी मैं आपको लिंक जरूर डाल दूंगी दोस्तों एंड अगर आप इसके साथ में इस तरीके की स्टॉल पेयर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पेयर भी कर सकते हैं स्टॉल्स को। ट्रायन होल में आप पूरा तरीके से आप कवर करने वाली हूँ मैं तो आप ट्रायन होल में बिल्कुल देख सकते हैं। इस तरीके से आप स्टॉल को पेयर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप स्टॉल पेयर करेंगे तो आउटफिट बहुत ही अच्छा निकल के आएगा गाइस। इस तरीके से ये ब्लैक स्टॉल को भी आप पेयर कर सकते हैं नेक के अराउंड। इस तरीके की कुर्ती को एथनिक वेयर बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा पार्टी वेयर बनाना चाहते हैं सो इस तरीके से मेरे पास व्हाइट कुर्ती है, चिकनकारी कुर्ती है दोस्तों। इस तरीके से आपको चिकनकारी कुर्ती मिल जाएगी। अगर आप
चिकनकारी नहीं लेना चाहते या व्हाइट के साथ पेयर नहीं करना चाहते और भी कुर्तीज के साथ आपको इस तरीके की स्कर्ट बहुत ही अप्रोप्रिएट लगेगी, प्लस स्टाइलिश लुक देगी। आप इसको कैसे भी पेयर कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर आप इसको पेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देगा एंड बहुत अच्छा आउटफिट निकल के आएगा। ये मुझे वीडियो करने की जरूरत इसलिए लगी बिकॉज अब समर स्टार्ट हो गए हैं एंड समर में स्कर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है, एट द सेम टाइम बहुत स्टाइलिश लगती है। सारे प्रोडक्ट की सिमिलर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो वहां से आप चेक कर सकते हैं। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है गाइस तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में एंड फैमिलीज में। अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए बाय गाइस।